दिल्ली की हिस्ट्री के बीच मुझे लगा आपको एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट जगह दिखानी चाहिए, और इनफैक्ट वो जगह आज उसका फर्स्ट डे है, कल इसका इनॉग्रेशन हुआ था और पब्लिक के लिए ये जगह आज खुली थी। बेहतरीन कंसेप्ट है ये SDMC का, जिसमें कि इन्होंने जो ट्रैश है, जो खास करके मेटल ट्रैश है, उसको यूज़ करके 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाए हैं। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। यानी कि दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनको ट्रैश से बनाया गया है। सबसे पहले गीज़ा के महान पिरामिड्स। अब गीज़ा के महान पिरामिड देखने के लिए अब आपको इजिप्ट नहीं जाना पड़ेगा, अब ये आपको मिलेंगे दिल्ली में। जो मेटल के बार्स हैं, मेटल बार्स जिनको हम लोग ज़्यादातर फेंक देते हैं या स्क्रैप में दे देते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये मेटल बार्स हैं जिनको फेंक दिया गया था, लेकिन इसका बन गया पिरामिड। बहुत सुंदर। इस पिरामिड की हाइट है 23 फीट, विड्थ है 28 फीट, और इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है, फ्रेम बनी है पाइप से, 110 टोटल लेयर हैं एंगल्स की, 10,800 फुट टोटल एंगल इसमें यूज़ किए गए हैं, 1.5 इंचेस का हर एक एंगल का साइज़ है, और इसका टॉप बना है ट्रक मेटल के स्क्रैप से। इस पूरे स्ट्रक्चर पे जो स्क्रैप यूज़ हुआ है वो है 12 टन, और इसको बनाया गया था पूरे 80 दिनों में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखना है, वो भी इंडिया में, नो प्रॉब्लम। ये रहा, इसकी हाइट है 39 फीट, विड्थ है 10 फीट, इसमें टोटल है 8 फ्लोर। इसमें मटेरियल जो यूज हुआ है वो है केबल वायर व्हील्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, क्लच प्लेट्स और ट्रक मेटल। ये अपने एक्सिस पे 86 डिग्री टिल्टेड है, इसमें 26 कॉलम हैं, टोटल कॉलम है 182। इसमें जो स्क्रैप यूज़ हुआ है वो है टोटल 9 टन, और इसको बनाने में लगे थे पूरे 100 दिन। अब आपको लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखने के लिए इटली नहीं जाना पड़ेगा, आप आइए दिल्ली, और बड़े ही बेहतरीन तरीके से इन स्ट्रक्चर्स को बनाया गया है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा को बनाने के लिए जो ट्रैश यूज़ किया गया है वो ज़्यादातर जो है ऑटोमोटिव ट्रैश है, जिसमें कि जैसे ब्रेक शू हो गए, एक्सेल हो गए, क्लच प्लेट्स हो गया, कोई वायर्स हो गए, और बीच के जो फ्लोर्स हैं इनको बनाने के लिए ड्रम्स का इस्तेमाल किया गया, जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जो ट्रैश में आते होंगे उनका इस्तेमाल किया गया है। और ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं ये है कारों के और गाड़ियों के एक्सल्स। बहुत ही अच्छा है, बहुत इनोवेटिव है। वेस्ट को एक तो यूटिलाइज़ किया हुआ है, और इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती। इसका जो सही फ़ायदा है वो ये है कि हमारे देश में ना वेस्ट बहुत ज़्यादा है, राइट, और वेस्ट को हम सही से मैनेज कर नहीं पाते, ट्रीट नहीं कर पाते। तो ये एक कैटलिस्ट है, एक स्टार्ट है कि हम एक प्रकार का वेस्ट, मतलब ये सारा ज़्यादातर इसमें मेटल वेस्ट है,
मेटल वेस्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अफेयर है। और मेटल हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वेस्ट है, तो इसका इससे क्योंकि इसके दो कॉन्सेप्ट है, एक तो मेटल का वेस्ट हो गया, दूसरा ये इतना इन्फॉर्मेटिव है, इतना एजुकेटिव है ये, और लोग इसको एज ए लैंडस्केप यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को घुमाने के लिए सिखाने। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हिस्ट्री सिखानी है तो इससे यहाँ पे इससे बढ़िया तरीका नहीं है कोई। एक वो दो चीज़ सीखेगा कि मुझे देख के बहुत अच्छा समझ, वेस्ट को कैसे यूज़ करना है एक, और दूसरा हिस्ट्री को समझेगा। मैं कहता हूँ साइंटिफिक पार्क जितने हैं वो इसी चीज़ के हों तो कितना अच्छा। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि पार्क्स के लिए कोड बना दिया जाए कि आप वेस्ट मटेरियल को यूज़ करोगे। मैं कहता हूँ हम तो आर्किटेक्ट्स हैं, इतना बढ़िया इनोवेटिव यूज़ हो सकता है डिफरेंट मटेरियल्स का। ये तो मेटल ही नहीं, आपके जितने वेस्ट हैं टॉयलेट्स के, जितने सिरामिक के, जितने ग्लास वेस्ट हैं, इसके अलावा क्रॉकरी है, हमारी यूटेंसिल्स जो पुराने हैं, इतने बढ़िया से यूज़ हो सकते हैं कि कमाल हो जाएगा। और हमारा बहुत सारा जो नए मटेरियल्स हैं वो बच जाएंगे और पुराने मटेरियल मैनेज भी हो जाएंगे और सुंदर ही बहुत लगेगा और एजुकेटिव होगा। राइट, लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बाद में आईफिल टावर चले, ये रहा पास में ही है, नो वीज़ा, यो रहा आईफिल टावर। हाँ इसमें पुरानी ग्रिल, ऑटोमोटिव पार्ट्स, स्प्रिंग्स, और जो टावर के वेस्ट मटेरियल है वो इसमें यूज हुआ है। नाइस यार। अंकल जी कैसा लगा कंसेप्ट आपको ये? बहुत बढ़िया, अच्छा है। पहली बार कम से कम जो है बनाया गया ना, जो वेस्टेज चीज़ होती है ना, हाँ जी, उनको वेस्टेज को इसमें जो है मटेरियल करके उसको बनाया गया। अच्छा, सिंधुवे कारीगर ने, बिल्कुल, बहुत ओके। और जो सीनियर सिटीजन के लिए करियर बच्चों के लिए, हम भी अपने बहुत पोते नाते हैं सबको बताएंगे कि हम देख पाए भाई अच्छा है तुम लोग। बिल्कुल, बच्चों के घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगह बनाई है। वेस्टेज चीज़ को जो है बेस्ट मटेरियल को जी ऐसा बना दिया तो ये सबसे बड़ी बात है जी। बिल्कुल, हमारे वाले आईफिल टावर की हाइट है 70 फीट, विड्थ है 27 फीट, और इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो है पेट्रोल टैंक, ऑटोमोटिव पार्ट्स, क्लच प्लेट्स और सी चैनल। ये सिर्फ एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे जिसको हम अंदर से भी देख सकते हैं, और इसमें यूज़ हुआ है 15 टन का कबाड़। इसको बनाने में लगे हैं पूरे 130 दिन। पर हम हैं अभी इटली में, और ये है इटली का कोलोजियम। ये किस चीज़ से बना हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो रिंग्स बने हुए हैं, ये एक्चुअल में जो रिंग्स हैं ये है टायर का जो रिम है उसको काटा हुआ है, टायर के रिम को काट के इसको बनाया गया है। ये जो अगर आप देख रहे हैं ये रिंग्स, ये सारे टायर कटे हुए हैं, और बीच के जो ये पोर्शन है ये कुछ जो पाइप्स हैं वेस्टेज हैं उससे। 410 कार व्हील रिम के साथ में इसमें यूज़ हुआ है गियर, एंगल स्क्वायर मेटल पाइप, इलेक्ट्रिक पोल्स, मेटल रेलिंग, मेटल बेंच, और बच्चों के चिल्ड्रन पार्क का स्क्रैप जिसमें कि झूले, सीसॉ वगैरह शामिल है। इसमें टोटल है 162 पिलर्स, और इसमें टोटल जो स्क्रैप यूज़ हुआ है वो है 11 टन, और इसको बनाने में भी लगे थे पूरे 100 दिन।
अगला नंबर है ताजमहल का। इसकी ऊंचाई है 37 फुट और इसकी चौड़ाई है 43 फुट। इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो है एंगल बार्स, पुराने ट्रकों के स्पेयर पार्ट्स, नट बोल्ट, 1600 साइकिल टायर रिम्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, पार्क के बेंचेस, चिल्ड्रन पार्क के बेंचेस जिसमें झूले भी शामिल है, पुराने बर्तन जैसे कि कढ़ाई। और ट्रकों के स्प्रिंग्स 16 टन ट्रैश से इसको बनाया गया है 130 दिनों में। छोटे छोटे जो वेस्ट है उनका यूज किया गया है मैक्सिमम इसमें। कार के जो वो अपनी ट्रक की जो शीट होती है उनको भी उन्होंने लगाया है जी। और साइकिल के रेम, साइकिल की चेन जो रोमियो के उसमें देखो आप तो इनके सर के ऊपर जो बाल दिखाए हैं वो चेन के दिखाए हैं, साइकिल की चेन के। उनका जो स्टैचू में नीचे जो बेस बनाया है वो जो पुराने हमारे सिटिंग बेंच होते थे लोहे के जी। उनका वेस्ट की स्ट्रिप्स हैं वो सारी उसमें। बहुत अच्छा इन्होंने वेस्ट मटेरियल का, आयरन वेस्ट मटेरियल का बहुत अच्छा यूज़ किया है। आपको ये कंसेप्ट बहुत पसंद आया? बहुत अच्छा लगा। इससे जो लोहा हमारा इधर उधर वेस्ट होता है कम से कम कोई दिखाने के लिए किसी को कोई चीज़ बनती है। बाहर से बहुत लोग आएंगे इसको देखने और बहुत अच्छा बच्चों के लिए भी अच्छी चीज़ है। बच्चों को लेकर के आए बड़े लोग तो उनको भी दिखाएं, उनको भी दिखाएं कि यहाँ पे ऐसा है। यूरोप में तो है ही जी, पर यूरोप की कॉपी है ये, छोटा मॉडल है उसका, पर बहुत अच्छा लगा देखने। अब चलते हैं ब्राज़ील, रिडीमर रियो। इस स्टैचू की हाइट है 25 फुट और चौड़ाई है 19 फुट। इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो बाल इसमें दर्शाए गए हैं वो बने हैं स्प्रिंग से। इसमें मटेरियल यूज हुआ है इलेक्ट्रिक पाइप, ऑटोमोबाइल स्क्रैप और बाइक की चेन्स का। इसमें टोटल 15 टन का स्क्रैप यूज किया गया है और इसको बनाने में लगे थे पूरे 130 दिन। कंसेप्ट वाइज वेरी गुड। इसे स्वच्छ मिशन के चलते इसमें काफ़ी जो पुराना स्क्रैप है उसको यूज़ करके हमने वर्ल्ड वंडर्स जो हैं 7 वंडर्स उनको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और ग्रीनरी जो है इट्स अप्रिशिएबल एंड दिस फ्लावर एंड फोना ओ गॉड ब्यूटीफुल एंड द थिंग इज ओनली थिंग इज मिसिंग इज जस्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। प्लीज मेक इट श्योर। चलें यूएस, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये रहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसकी हाइट है 32 फुट, चौड़ाई है 17 फुट। इसमें मटेरियल यूज हुआ है रिक्शे के एंगल, चिल्ड्रन पार्क की स्लाइड, टी स्टॉल के बेंचेस, इलेक्ट्रिक मेटल की वायर्स। मशाल के लिए यूज किया गया है बाइक के रिम का और साइकिल की चेन्स का। बाल हैं साइकिल की चेन के। हाथ में जो बुक है वो है पार्क के बेंच की और मेटल शीट की। इस पूरे स्ट्रक्चर पे जो मटेरियल यूज हुआ है वो है 4 टन और इसको बनाने में भी लगे थे 90 दिन। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। मतलब वेस्ट में गवर्नमेंट जो मेटल
गवर्नमेंट जो भी मेटल या वेस्ट जो स्क्रैप मटेरियल होता था उसको फेंक देती थी या फिर जो वेंडर्स होते फेंक देती थी, लेकिन अब ये उसका यूज़ हो रहा है, उसका बहुत अच्छा यूज़, रिसोर्स बच रहा है, इकोनॉमी हो रही है और पार्क बन गया है, ऑफ कोर्स टूरिज्म बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। चलते चलते लग जाए प्यास, तो ये रहा आरओ का पानी। वेस्ट टू वंडर पार्क सराय काले खां बस स्टैंड के पास में है। अगर आप मेट्रो से आना चाहें तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है हजरत निजामुद्दीन।